पंजाबी रेडियो यूएसए पेश करता है अज दा दिन सिख इतिहास विच। सिख इतिहास दीआं घटनावां च एक अगस्त दा दिन 1863 राणी जिंदां दी मौत। लॉर्ड डलहौजी ने राणी जिंदां बारे एक बार लिखा सी कि पंजाब च इकली राणी जिंद कौर ही मर्दां वाली हस्ती रखती है। यही कारण सी कि अंग्रेज़ उस तों बहुत डरदे सन, इस करके राणी जिंदां नूं कैद कर लिया गया। तो कुछ चिर मगरों 16 मई 1848 के दिन उसनों एक कैदी वजों बनारस लिजाया गया। 1860 च राणी ने फिर अंग्रेजी सरकार नूं अपील की कि उसनों अपने पुत्र को जाण दी इजाजत दिती जाए। इस वक्त राणी की उम्र 40 साल के करीब सी, वह हर पास्यों हार चुकी सी ते बेदल हो चुकी सी, सारिया उम्मीदां खत्म हो चुकिया सन, अंग्रेज ये सारा कुछ जानते सन। उधर दलीप सिंह सिखी जां राज करन दे सुपने नूं भुल चुका सी ते इंग्लैंड च एक आम ईसाई शहजादे वांग जी रहा सी। अंग्रेज महसूस करते सन कि हुण राणी दलीप सिंह ते कोई असर नहीं पा सकेगी। अखीर उन्होंने 1861 च राणी नूं इंग्लैंड जाण दी इजाजत दे दित्ती। कुछ महीनों मगरों दलीप सिंह बंबई आया ते अपनी मां नूं 13 साल मगरों मिलिया। इस वेले उसने सिर मुंह मुन्या होया सी ते पुत्तर नूं इस रूप च वेख के राणी भुब्बा मार के रो पई, पर उसके रोण का दलीप सिंह ते कोई असर ना होया ते उसने सिखी सरूप च आउण दा फोका वादा भी ना कीता। दलीप सिंह उसनू अपने नाल इंग्लैंड जरूर लै गया। वो 4 मई 1861 नूं इंग्लैंड वास्ते रवाना होए ते जुलाई च उत्थे पहुँच गए। पुत्र कोल पहुँच के भी राणी उदास रहण लगी। वह अक्सर रोंदी रहिंदी ते अखीर झुरदी रोंदी तड़पदी राणी जिंदा अपनियां अखां दी जोत वी गुआ बैठी ते हड्डियां दी मुठ बण के रह गई। यह भी हो सकता है कि अंग्रेजा ने डाक्टरां राहीं उसनू दवाइयां दे नां ते जहर देता होवे तां जो उसका कंडा कढ़िया जा सके। वह बहुत ही देर जीउंदी ना रही ते 2 साल के अंदर 1 अगस्त 1863 के दिन इंग्लैंड च ही चढ़ाई कर गई। उस दीआं अस्थियां जल प्रवाह करन वास्ते अंग्रेजा ने उसके पुत्र नूं सिर्फ मई तक आउण दी इजाजत दित्ती ते पंजाब वल भी ना जाण दित्ता। 1980 दल खालसा ने खालिस्तान का झंडा लहराया। दल खालसा ने 1 अगस्त 1980 के दिन पहली बार खालिस्तान का झंडा चलाया। दरअसल श्रोमणी कमेटी दीआं चोणां हारन मगरों दल खालसा ने चोणां की सियासत छड़ के खालिस्तान की मुहिम च तेजी लियाउण वास्ते यह एक्शन किया। 1984 संता सिंह ने अकाल तख्त साहब की मुरम्मत शुरू की। 4 जून 1984 के फौजी हमले च अकाल तख्त साहब की इमारत बुरी तरह तबाह हो चुकी सी। अकाल तख्त साहब नूं पुरानी हालत च लियाउण वास्ते इंदिरा गांधी ने बूटा सिंह की ड्यूटी लाई। बूटा सिंह ने कार सेवा वाले बाबा खड़क सिंह ते कई होर बाबयां तक पहुँच की, पर कोई भी सरकार की सरप्रस्ती च जां फौज की निगरानी हेठ कार सेवा करवाउण वास्ते ना मन्निया। सारयां दी यही शर्त सी कि पहलां भारतीय फौज दरबार साहिब कंपलैक्स नूं सिख संगतां लई खोल देवे ते उत्थों चली जावे, फिर ही वह कार सेवा करवाउणगे। अखीर इंदिरा गांधी ने अपना पुराना मोहरा संता सिंह निहंग अगे लिया। उस दे नाल कलेरां वाले डेरे दे नारायण सिंह नूं खड़ा किया गया ते संता सिंह नूं मोहरा बना के अगे लिया गया, जिन्हां ने कि सरकारी कार सेवा करके अकाल तख्त साहब की इमारत की मुरम्मत करवाउण दा फैसला किया। 1 अगस्त 1984 के दिन संता सिंह ने सरकारी कार सेवा शुरू की। 1995 बादल तौड़ा समझौते मगरों नवीं सांझी कमेटी बनी। बादल नूं छड्ड के अकाली दल ने सांझा अकाली दल अमृतसर कायम कर लिया सी। अखीर 13 अप्रैल 1995 नूं इस एकता दा रस्मी ऐलान तलवंडी साहब विच कर दिता गया सी, पर अगले दिन भी दल दी बणतर बारे कोई फैसला ना हो सकिया। अखीर बादल टौड़ा धड़े ने 1 अगस्त नूं 18 मैंबरी सांझी एग्जैक्टिव दा ऐलान कर दिता। इस ऐलान मुताबक आत्मा सिंह नूं इस दल दा सरप्रस्त बनाया गया। ए सी सिख इतिहास दीआं घटनावां च 1 अगस्त दा दिन। सुणदे रहो पंजाबी रेडियो यूएसए।